टी20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान टीम के बीच में खेला जा रहा है। वहीं ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला इतना धमाकेदार तरीके से होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और आज वेस्ट इंडीज की टीम ने 218 रन बोर्ड पर लगा दिए। वहीं अगर निकोलस पूरन की बात की जाए तो पूरन आज शतक जड़ते जड़ते रह गए। 98 रनों की एक शानदार पारी पूरन ने खेली जिसमें 8 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए। 53 गेंदों पर 98 रनों की एक शानदार और तूफानी पारी खेली। वहीं निकोलस पूरन की अगर बात की जाए तो निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी तो की ही, इसके साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। जैसे कि निकोलस पूरन ने 36 रन का एक ओवर उमरजाई के खिलाफ बनाया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टी20 में कई छक्के के जो रिकॉर्ड हैं वो पूरन ने अपने नाम किए। तो तमाम वो रिकॉर्ड्स हैं जो निकोलस पूरन ने आज अपने नाम किए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर बात की जाए तो 218 रन पर पहुंची वेस्ट इंडीज़ निकोलस पूरन की उस पारी के बदौलत। बात करें अगर निकोलस पूरन की इस पारी की तो निकोलस पूरन ने इस पारी में 184 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और तीसरे नंबर पर खेलने आते हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन निकोलस पूरन ने किया। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जो ये दिया गया टोटल है 218 जो बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने और 219 जो चेज़ करने हैं, अब वो किस तरीके से चेज़ करती है अफ़गानिस्तान की टीम, क्या अफ़गानिस्तान की टीम चेज़ कर पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।